बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के केजीएमयू प्लाज्मा थेरेपी के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना से ठीक हो चुके 4 मरीज प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। केजीएमयू के डॉक्टर समेत 4 मरीजों ने सहमति दी है। आज निर्णय लिया जाएगा ठीक हो चुके मरीजों का प्लाज्मा केजीएमयू के प्लाज्मा थेरेपी के लिए गाइडलाइन पूरी की, रिकवरी की जा चुके मरीजों की सभी जांचें पूरी की गई है। कोरोना पीड़ित गंभीर मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी की जाएगी। आपको बता दें, कोरोना पीड़ित गंभीर मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किए जाने की तैयारी है। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। कोरोना से ठीक हो चुके 4 मरीज प्लाज्मा देने को तैयार हैं। केजीएमयू के डॉक्टर समेत 4 मरीजों ने सहमति दी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, क्या है प्लाज्मा थेरेपी और कितना कारगर यह हो सकती है? लोगों के मन में संशय बना हुआ है, किस प्रकार से इलाज इससे होता है, विस्तार से जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई दवा नहीं है। जी, ये दवा नहीं है और इसको हमको ये मानना चाहिए कि जो मरीज ठीक हो रहा है जी, उसके शरीर में जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है वो व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है, प्लाज्मा में। उसके शरीर में डेवलप एंटीबॉडी का एक पार्ट निकाल के हम दूसरे मरीज में डाल रहे हैं उसके खून में जी, और इस पर डालने से ये कि उसका शरीर भी रोग से लड़ने लग जाएगा, तो शायद रोग से जीत जाएगा जी। ये होप अगेंस्ट होप है कि एक व्यक्ति का शरीर रोग से लड़के जीत चुका है तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में उसके खून का वो अंश डाल दो जिसमें कि एंटीबॉडी डेवलप है, तो वो उसका शरीर भी, दूसरे का व्यक्ति का शरीर भी लड़ने लग जाएगा, और लड़ने लग जाएगा तो वो भी उसी तरह जीत जाएगा जैसे पहला व्यक्ति जीता है जी। इसमें जरूरी होता है कि दोनों का खून मैच करे, और जिस जो व्यक्ति ठीक होने के बाद अपना ब्लड दे रहा है, जिसके ब्लड से निकाल के प्लाज्मा हम डालेंगे और रेड ब्लड सेल्स वापस डाल देंगे पहले वाले व्यक्ति के जिसका लिया है उस खून में जी, तो प्लाज्मा को जिसके व्यक्ति में डाल रहे हैं, जिस व्यक्ति का प्लाज्मा लिया जा रहा है उसको कोई और संक्रमण ना हो, डायबिटीज नहीं हो, दूसरी बीमारी नहीं हो, कोई और इन्फेक्शन नहीं हो किसी तरह का, ये देखा जाना, टीबी नहीं हो, कोई और चीज नहीं हो, ये देखा जाना बहुत जरूरी है जी। और सब तरह से निरापद होगा, खून मैच करेगा, तभी वो दिया जा सकेगा। तो वो प्रक्रिया पूरी कर ली है लखनऊ के मेडिकल कॉलेज ने जी, और लखनऊ में अब इस बात की तैयारी है कि जब खून मैच कर गया है, जिन्होंने प्लाज्मा दिया उनके शरीर से खून निकाल के, प्लाज्मा निकाल के उनमें से खून वापस उनके शरीर में डाल दिया जाएगा, और प्लाज्मा लेके उन व्यक्तियों की, 4 व्यक्तियों के शरीर में डाला जाएगा जो संक्रमित है, जिनकी स्थिति इस वक्त गंभीर है जी, और उनका शरीर भी अगर उसी तरह रोग से लड़ने लग जाए जैसे रोग से लड़ाई लड़के जीते हुए व्यक्तियों का शरीर लड़ चुका है जी, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। ये कोई दवा नहीं है, लेकिन इलाज के साथ इलाज है, पैरेलल इलाज हो रहा है जी, बिल्कुल जी। और दिल्ली सरकार ने इसका प्रयोग किया और उसके बाद में केजरीवाल का बयान आया कि उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं और अब यूपी तैयारी कर रहा है इसको लेकर के। हाँ जी, इसमें यह है कि दिल्ली में जब किया था, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, डॉक्टर शिव सरीन जो जयपुर के ही है जी, वो भी साथ थे जी के जी, और ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये लिवर के केस में काम में ली जाती पहले से, ऐसा नहीं कोई नई थेरेपी है जी। जिन लोगों को सिरोसिस ऑफ लिवर होता है जी, और कुछ और बीमारियां भी ऐसी होती है जिनमें की प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, प्लाज्मा चढ़ाने से बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मेंटेन की जाती है और ब्लीडिंग को रोका जाता है, बहुत सारे पर्पज में काम आता है व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो ये थेरेपी पुरानी है, नई नहीं है, लेकिन इसको इस रोग में काम में ले रहे हैं, इस प्लाज्मा को निकाल के, तो ये बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं कि और कोई दवा दुनिया में है नहीं, बिल्कुल, तो जिसकी बॉडी ने अपने आप ही लड़ना शुरू कर दिया, विजय प्राप्त कर ली कोरोना वायरस के संक्रमण पर जी, उस विजेता को दूसरे विजेता की बॉडी में उसके खून को प्रवेश करा के, प्लाज्मा को प्रवेश करा के कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा खून भी उसी तरह रोग से लड़ने लग जाए, और वो लड़ने लग जाए तो वो भी इस रोग से जीत जाए जी। जी सर, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर ट्रायल इंडिया में किया जा रहा है, दिल्ली में ट्रायल किया गया और यूपी में भी इसका प्रोसेस जारी है, विदेशों में काफी प्रभावित किया है कोरोना ने, और वैश्विक महाशक्ति जहां पर चिकित्सा बहुत अग्रिम दर्जे की है वहां पर भी क्या इसका ट्रायल किया गया है, प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया है?
अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि विदेश में इस बात को लेके, क्योंकि वो तो दवाई ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं जी, वो जो उनके यहाँ रोग से लड़के जीत चुके हैं वो प्लाज्मा देंगे नहीं देंगे अभी तो यही सवाल है। और पहली बात, दूसरी बात, दे भी दें जी तो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी में भी नहीं है और दुनिया में बात भी नहीं है कि दुनिया किसी और देश ने ये किया है। भारत के लोग काफी इनोवेटिव है, विचार से, उससे, कल्पना से बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं ढूंढ के, तो ये एक नया तरीका इजाद किया गया है। ये कोई रोग की बीमारी का इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई एंटीवायरस कोई दवा नहीं है। शॉर्टकट तरीका इसे कहा जा सकता है, है? शॉर्टकट तरीका इसे कहा जा सकता है रोग के इलाज का? हाँ नहीं नहीं, शॉर्टकट मेरा मतलब ये कि ये एक व्यक्ति के शरीर ने दवा पैदा कर दी दूसरे व्यक्ति के लिए जी, वो दवा नहीं है, वो शरीर के अंदर मतलब आपका जो बॉटलिज्म होता है, मैकेनिज्म होता है बॉडी का जी, इम्यून सिस्टम ही रोग से लड़ता है जी। हर व्यक्ति का शरीर अपने आप में सक्षम होता है रोग से लड़ने के लिए, जिस व्यक्ति के शरीर ने कोरोना संक्रमण से लड़ने की अपने में ताकत पैदा कर ली, उसकी ताकत का एक हिस्सा दूसरे की ताकत में डालने से शायद दूसरे में भी वो ताकत आ जाए कि रोग से लड़ सके, सरल भाषा में जी, तो ये कहा जा सकता है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर विस्तार से चर्चा की, जानकारी दी।